सो अब अगर आप शाम जो लोग शामनिज्म में जाते हैं या ये शामनिक पाथ करते हैं, लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या उस पाथ पे चलना शुरू करते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं? तो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए जिसकी जो ये शामनिज्म प्रैक्टिस करते थे, मतलब बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो आप जब उस फैमिली में ही पैदा हुए हो कहीं ना कहीं आप में कुछ क्वालिटीज होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली के अंदर भी सारे के सारे लोग जो हैं वो शामन बन जाए, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा होगा या कोई ना कोई जो छोटा जब बिकॉज ट्रेनिंग इसकी बाद में नहीं शुरू होती है, ये शुरू से बचपन में ही कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है या कुछ ऐसे दिखाई देता है फैमिली मेंबर्स को, दे कैन सी द ट्रेट्स ऑफ अ शामन इन यू, के तब वो आपको उस तरह की जो एल्डर्स हैं वो ट्रेनिंग देनी शुरू करते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग के बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई हाँ मैं फैमिली में पैदा हो गया तो मेरे पास ये सब ट्रेट्स है, मैं खानदानी शामन। नो, यू हैव द कॉलिंग फ्रॉम द स्पिरिट्स, यू गो थ्रू देम, यू आप चीजें वो करते हो जो वो स्पिरिट आपको बोलती है। मे बी उसमें बहुत बार आपको चोटें लगती हैं, बहुत बार आप नियर डेथ एक्सपीरियंस आप करते हो, बहुत बार यू मे बी स्टक बाय लाइटिंग एंड ऑल दैट थिंग। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी सिंपल, बट पहले के जमाने में जो शामंस होते थे वो ऐसे भी होते थे, दैट्स व्हाई द पीपल यूज टू कॉल देम मोर एसेंट्रिक या मैड, क्योंकि दे यूज टू अपियर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल और नॉर्मल अपब्रिंगिंग। ओके, सो दे गो थ्रू दीज सेरेमनीज राइट्स एंड एवरीथिंग फॉर टू फिट इनटू दिस जॉब टू बिकम अक्वायर दिस टाइटल ऑफ इवन इफ दे आर बोर्न इन दैट फैमिली। दूसरी चीज है जैसे कि आपको एक कॉलिंग है, यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर लीनेज। नाउ देर आर डिफरेंट लीनेजेस, जैसे कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे, मंगलोरिया में जाओगे, साइबेरिया में जाओगे, जापान है, कोरिया है, या नेपाल है, या कोई भी, आई मीन दीज आर शामनिज्म्स विच आर वेरी पॉपुलर नाउ, बुद्धिस्ट शामनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन समवेयर दीज शामनिज्म बिलीव्स और देयर ट्राइब्स आर स्टिल वेरी एक्टिव, विच हम अभी भी हम देख सकते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार में जाए या कहीं सिक्किम या इस जगह पे जाए तो वहाँ नागालैंड एंड मे बी इन पाकिस्तान ऑल्सो देर मे बी मेनी एरिया जहाँ पे ये ट्राइब्स आर वेरी स्टिल ट्रू टू देयर ओरिजिनल सेल्फ। ओके, सो आपको आप उनके बारे में पढ़ते हो, आप लिखते हो, कहीं ना कहीं आप उनको कनेक्ट कनेक्ट करते हो उनके जो रिचुअल्स उनके तौर तरीके, सो यू मे उनसे आप सीखते हो, यू मे हैव अ टीचर हो फ्रॉम देयर दैट पर्टिकुलर ट्राइब, वो टीचर्स कई लोग हैं वो पेरू जाते हैं, मेनी पीपल गो टू अमेजोन फॉरेस्ट एंड ऑल दैट थिंग, बाहर ओरिजिनल ट्राइब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से लोग इनके पास जाते हैं उनके मास्टर्स से सीखते हैं। सो दैट इज वन वे। सो एक हुआ आप फैमिली में पैदा और आपके बड़ों बुजुर्गों ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने आपको वो तालीम दी जिससे कि आप उस एरिया में बढ़ सकें। दूसरा हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर लीनेज की तरफ अट्रैक्शन हुआ, आपने वो लीनेज के टीचर के साथ कांटेक्ट बनाया और वो टीचर ने आपको उस इनिशिएशन और टीचिंग दी। ओके, तीसरा तरीका क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रॉमास के साथ फेस करते हो, मेंटल ट्रॉमास या फिजिकल ट्रॉमास, या आप लाइफ में आप ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आप वर्चुअली इट्स कॉल्ड लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे वेयर यू फील दैट यू हैव ऑलमोस्ट पास थ्रू फ्रॉम दिस पैसेज टू अनदर लाइफ और टू द अदर वर्ल्ड, राइट, बट मे बी यू सर्वाइव्ड एंड दिस थिंग, सो दैट इज वन इंडिकेशन, एंड वेयर यू गो थ्रू योर लॉट ऑफ इनर कॉलिंग, आप अंदर आपके अंदर एक झंझोर सा होता है जो आपको हिला देता है आपके लाइफ में और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और तरफ देखने की जरूरत है, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ अस मे बी वी आर फॉलिंग इनटू दिस पर्टिकुलर वी आर गोइंग
lot of issues we have been so happy because ऑलरेडी हम एक एंसेस्ट्रल लाइन से कनेक्टेड है. सी आज हमको ये मालूम नहीं है कि हमारे पूर्वज शामस थे या नहीं थे, क्योंकि हो सकता है देर मे हैव बीन अ ब्रेकेज इन द लिनेज, राइट, ओवर द पीरियड. कुछ हमारे एंसेस्टर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ तालीम ली हो और वो अलग तरह के डायरेक्शन में चले गए. मे बी दे बिकेम कमर्शियल पीपल, मर्चेंट्स एंड ऑल दैट. सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेडिशन, दे वेंट इन टू अ सेपरेट लाइफ. उसके अलावा भी इफ यू आर अवेयर, जब इनिशियली हम लोग सब केव पीपल ट्राइबल्स थे, उसके बाद एग्रीकल्चर आया, और जब एग्रीकल्चर आया तो सबके तौर तरीके, सबके रहने के तरीके, सब में बदलाव आया, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि हम एनिमल्स को अपना सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगे, उनसे हम काम कराने लग गए, हम कुछ एनिमल्स को अच्छा, कुछ एनिमल्स को बुरा मानने लग गए, क्योंकि कुछ एनिमल्स हमको मदद करते थे और कुछ एनिमल्स हमारी फसल को खा जाते थे. तो अगर वो हमारी फसल को खा जाते थे तो ऑब्वियसली दे आर कैन नॉट बी आर फ्रेंड्स, दे आर आर एनिमी. सो वी स्टार्टेड मेकिंग स्टोरी, समबडी इज बैड, समबडी इज गुड, वी स्टार्टेड किलिंग सर्टन एनिमल्स, वी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग सर्टन एनिमल्स. सो थिंग्स चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स वाई आवर कनेक्शन टू द नेचर ऑल्सो चेंज्ड, बिकॉज वी स्टार्टेड यूजिंग देम एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो देर इज अ डिफरेंस इन यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ डिफरेंस विच केम, राइट. सो बट हमारे अंदर डीएनए तो है ना, तो कहीं ना कहीं वो डीएनए कभी ना कभी हमारा, जैसे खून खून उबलता है, वो खून खून को खोज लेता है, तो कहीं ना कहीं वी गेट अ लिंकेज टू आर डीएनए एंड वी वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर और समथिंग गुड और समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, एंड दैट इज हाउ वी मे बी कॉल्ड टू दिस एरिया. ओके.